क्रिकेट से एक बुरी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि विनेश फोगाट अब फाइनल नहीं खेल पाएंगी। ओवरवेट होने के चलते अयोग्य विनेश फोगाट को घोषित कर दिया गया है। विनेश फोगाट का गोल्ड मेडल का सपना टूट चुका है। 50 किलो भार वर्ग में पहुंची थी फाइनल में। एक बार आपको फिर से बता दें कि पेरिस ओलंपिक से एक बुरी खबर सामने आ रही है। विनेश फोगाट अब फाइनल में नहीं खेल पाएंगी। ओवरवेट होने के चलते अयोग्य घोषित किया है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए जुटते हैं अपने संवाददाता विजय बघेल के साथ। जी विजय, जैसे कि इतना पेरिस ओलंपिक से इतनी बुरी खबर सामने आ रही है और इतना बड़ा झटका भारत को लगा है, तो इससे क्या सबक मिलता है भारत को? देखिए, पहला सबक तो ये है कि हम जिस कैटेगरी में, जिस भार वर्ग में हम हिस्सा ले रहे हैं, उससे अगर 10 या 1-2 ग्राम या 10 ग्राम ज्यादा होता है तो ओवरवेट माना जाता है। डिस्क्वालीफाइंग के ये नियम है, इसलिए हमको जिस भार वर्ग में ले रहे हैं उससे कम वजन होना चाहिए। दूसरा ये है, विनेश फोगाट पिछले कुछ समय से चर्चा में रही, उन्होंने प्रोटेस्ट किया तत्कालीन कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ। जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे वो सड़कों पर उतरी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की और वो उसके बाद एक कंट्रोवर्सी हुई। उसके बाद वो ओलंपिक खेलने गई, ओलंपिक में जिस तरीके से उन्होंने दाव पेच के साथ फ्री स्टाइल 50 kg वर्ग में वो अपने जो पहलवानों को चित करती गई और कल ही वो सेमीफाइनल में पहुंची थी और उन्होंने मेडल पक्का किया था, लेकिन ओवरवेट होने के चलते उनको अयोग्य घोषित किया गया है और वो अब वो कोई भी बिना पदक के वापस लौटेंगी। और ये उनका लोकसभा में भी ये मुद्दा उठा है, इस समय विपक्ष के नेता राहुल गांधी लोकसभा में विनेश फोगाट पर बोल रहे हैं। तो ये मुद्दा तमाम तरीके की बातें आई हैं कि विनेश फोगाट के साथ कहीं कोई साजिश तो नहीं हुई है। विनेश फोगाट क्योंकि उनका वजन 50 किलो से महज कुछ ग्राम ही अधिक है और इतना ये चूक आखिर ओलंपिक फेडरेशन इंडिया की उससे कैसे हो सकती है? अगर कोई खिलाड़ी भाग लेने के लिए जा रहा है तो उस खिलाड़ी का ओवरवेट कैसे हो सकता है? उनके कोचेज क्या कर रहे हैं? इतना भारी भरकम ओलंपिक संघ का दल है, उसकी उसने क्या एक्सरसाइज की थी? अगर विनेश फोगाट का वजन कुछ ग्राम ज्यादा था तो उसको उस कैटेगरी में जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया था उसके लिए वो प्रयास क्यों नहीं किए? तमाम ये सवाल हैं जो कहीं ना कहीं ओलंपिक फेडरेशन को खड़ा करते हैं कटघरे में। और यही और भारत के लिए एक सेटबैक है, खुद विनेश फोगाट के लिए और भारत के लिए एक सेटबैक है, क्योंकि हमने 3 कांस्य पदक निशानेबाजी में जीते थे और कुश्ती में पहली बार कोई महिला खिलाड़ी फाइनल में पहुंची थी, उन्होंने इतिहास रचा था, लेकिन ओवरवेट होने के चलते अब उनको अयोग्य घोषित किया गया है। तो भारत की पदक की उम्मीदें धूमिल हो गई हैं। ओलंपिक में एक बड़ा इस बार नजर आ रहा था कि नीरज चोपड़ा के साथ विनेश फोगाट भी अगर स्वर्ण पदक जीतती हैं तो भारत के लिए डबल बोनांजा की तरह होगा। 2 स्वर्ण पदक के साथ भारत ने पिछली बार जो टोक्यो ओलंपिक में 2020 में 7 पदक जीते थे और इस बार भारत उसके आगे जा सकता था, लेकिन कल हॉकी में स्वर्ण पदक का सपना टूटा। जर्मनी ने सेमीफाइनल में भारत को 2 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया और भारत आज कांस्य पदक के लिए खेलेगा। लेकिन कुश्ती में कम से कम अगर विनेश फोगाट अगर हारती फाइनल में तो स्वर्ण पदक वो की माफ कीजिएगा ये सिल्वर मेडल जरूर मिलता, लेकिन अब कोई भी बिना पदक के विनेश फोगाट वापस आएंगी। उससे एक दिन पहले निशा दहिया खेली थी तो वो उनको हाथों हाथ चोटिल उनका हो गया था जिसके चलते वो अपना मुकाबला हार गई थी। तो कुश्ती से 2 दिन में एक बड़ी ऐसी खबर आई है। विनेश फोगाट पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया है, पीएम मोदी ने कहा है कि विनेश आप चैंपियन हैं और राहुल गांधी इस समय लोकसभा में बोल रहे हैं विनेश फोगाट पर और भारत के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि आईओ यानी भारतीय ओलंपिक संघ ने अपनी वहां दर्ज करा दिया है, अपनी शिकायत दर्ज करा दी है वो आयोग होने पर, लेकिन इस समय पूरे देश में विनेश फोगाट के आयोग होने को लेकर तरह तरीके के मीम्स सोशल मीडिया पर देखेंगे, एक्स पर तमाम लोग फेडरेशन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो तमाम क्योंकि ये भी एक बड़ी घटना है, ये आंचल इतनी बड़ी घटना है कि कोई खिलाड़ी ओलंपिक में अपना सपना देखता है
और वो उसके उस सपने के साथ 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सपना भी होता है। और विनेश फोगाट ने कल भारतीयों को मुस्कराने का मौका दिया था और तमाम भारतीय आज इनसे गोल्ड की उम्मीद कर रहे थे, और ऐसे में खबर आती है कि विनेश फोगाट योग्य हो गई है और वो एक लापरवाही है या कोई साजिश है, ये जांच में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल विनेश फोगाट और उनके परिवार के साथ 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का गोल्ड का सपना टूट चुका है और विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हो गई हैं। ये एक बहुत बुरी खबर भारतीयों के लिए है और खिलाड़ियों के लिए है। साथ ही ये खबर ये सबक भी देकर जाती है कि जिस भारत वर्ग में हम अगर हिस्सा ले रहे हैं तो उसे वजन कम होना चाहिए, ज्यादा अगर होता है कुछ ग्राम ज्यादा पे भी डिस्क्वालीफाई के नियम है। लेकिन विनेश फोगाट का अगर 50 किलो से थोड़ा सा 10-20-50 ग्राम अगर वजन अधिक है तो वो वजन कैसे वजन बढ़ा, उनके कोचेज ने ध्यान क्यों नहीं दिया, ओलंपिक फेडरेशन के तमाम जिम्मेदार अधिकारी और पदाधिकारी हैं उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया, ये बड़ी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री ने उनको ढांढस बनाया है, प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है कि विनेश फोगाट आप चैंपियन हो, आप देश के लिए आप देश का गौरव हो, ये पीएम ने कहा है। लेकिन फिलहाल विनेश का सपना टूट गया है, ओलंपिक में बिना मेडल के वो वापस आएंगी, मेडल की रेस से ओवरवेट के चलते वो आउट हो गई हैं और ये इस समय एक सेटबैक है विनेश फोगाट उनके परिवार के साथ समूचे भारत के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद विजय आपका जानकारी देने के लिए। एक बार आपको फिर से बता दें कि भारत के लिए पेरिस ओलंपिक से एक बुरी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि विनेश फोगाट फाइनल में नहीं खेल पाएंगी, ओवरवेट होने के चलते उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। विनेश फोगाट का गोल्ड मेडल का सपना अब टूट चुका है। 50 किलो भार वर्ग में विनेश फोगाट पहुंची थी, उन्होंने सेमीफाइनल क्रॉस किया था, लेकिन अब फाइनल में विनेश फोगाट नहीं खेल पाएंगी।